कानपुर महानगर में अगर आप कार चला रहे हैं तो अब आपको हेलमेट लगाकर कार चलानी होगी, वरना चौराहों पर अपने हाथों में मोबाइल लिए ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट देगी। सुनने में आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक ऐसी ही हास्यास्पद लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन ई चालान सिस्टम के तहत एक कार चालक का चालान काट दिया गया है। अजीब बात यह है कि युवक का चालान बिना हेलमेट कार चलाने को लेकर काटा गया है। ट्रैफिक पुलिस के 1000 रुपए के चालान का मैसेज जब युवक के मोबाइल में आया तो वो भौंचक्का रह गया। नौबस्ता थाना क्षेत्र के बाबानगर इलाके में रहने वाले पीड़ित कार चालक ने बताया कि उसके पास मारुति सुजुकी कंपनी की स्विफ्ट कार है। 31 अगस्त को वो किसी काम से कार द्वारा सिटी गए थे। वापस घर आने पर मोबाइल पर आए मैसेज के माध्यम से ऑनलाइन चालान होने के बारे में जानकारी मिली। जब मैसेज पढ़ा तो पता चला कि हेलमेट लगाकर कार न चलाने की वजह से उनका 1000 रुपए का चालान किया गया है। हालांकि युवक का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस ने चालान कैंसिल कर दिया है। सर, मेरी घटना हुई थी, एक हेलमेट पे कार का चालान हुआ था, जो कि मुझे पहले नहीं पता था, बाद में पता चला। ये सॉफ्टवेयर में होता क्या है, 1000 चालान में 1-2 चालान गलत हो जाते हैं, तो वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मेरी गाड़ी में नंबर प्लेट पे एडवोकेट लिखा है, तो उसका चालान बता रहे कि होना था। जो अभी मैं मूर्ति सर से मिला तो उन्होंने उसको बताया पूरा मैटर कि ये था, एक्चुअली इसकी जगह धोखे से वो हो गया, तो सॉफ्टवेयर की ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने उसको चेंज किया है। तो अभी हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करेंगे, जांच में जो होगा उचित कार्रवाई करेंगे। कोई चालान आपके पास जो गलत आया था उसको इन्होंने वापस सही किया, नहीं, वो कैंसिल हो गया है, उसकी जगह इन्होंने दूसरा चालान किया है, बता रहे हैं। जो नंबर प्लेट पे एडवोकेट लिखा हुआ है उस बात पे कि नंबर प्लेट पे नहीं लिखना चाहिए, तो उस पर इन्होंने किया है। वो भी मैंने उनसे बोला है कि सर ठीक है, हमको ऐसी जानकारी नहीं दी, अब दोबारा नहीं होगा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इसकी कार्रवाई करता हूं, जो उचित होगा वो। वहीं डीसीपी ट्रैफिक का कहना है कि वाहन की नंबर प्लेट गलत थी जिसका चालान किया जा रहा था, लेकिन कुछ कमी के कारण हेलमेट का चालान हो गया था, उसको सही कर दिया गया। देखिए, एक वाहन है, वाहन कार था उसमें, और प्रशांत जी थे जो चालक थे, और वो जो वाहन है उसमें रॉन्ग नंबर प्लेट थी। हाई सिक्योरिटी प्लेट तो था, लेकिन उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, वो रॉन्ग नंबर प्लेट एमवी एक्ट के तहत रॉन्ग नंबर प्लेट है, और टिंटेड ग्लास भी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस और एमवी एक्ट के तहत गलत इस्तेमाल है, तो उसका ये चालान हो रहा था, लेकिन मशीन की त्रुटि के वजह से उसमें हेलमेट वाला वो सेक्शन आ गया है। लेकिन ये हमारा एक रूटीन प्रोसीजर है, जहां हमारे यातायात प्रवर्तन केंद्र में क्वालिटी कंट्रोल टीम बैठती है, और वो कंट्रोल टीम देख के जब भी कुछ गलत सेक्शन लग जाता है उस सेक्शन को हटा के वो नया सेक्शन लगा के वाहन स्वामी को भेज देते, तो इसी में भी वही हुआ है कोई और दूसरी बात है, एक और चालान की भी बात हो रही थी, जिसमें एक ऑटो ने अपने जो नंबर प्लेट में टी के बदले जी लिखाया था, जी दिख रही थी, सो सिस्टम ने जी को पकड़ लिया और उसी का चालान प्रशांत जी को मिल गया था। वो हमारा क्वालिटी कंट्रोल टीम परसों ही उसको देख लिया, पकड़ लिया, और उसको हमने एडिट करके निरस्त भी कर दिया है, और वो चालान जो एक्चुअल वाहन स्वामी जो है ऑटो वाला उनको, वो जो नया चालान उनको उनका पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ इस कार्यवाही के बाद से कार चालक अब एहतियातन कार में हेलमेट लगाकर चल रहा है, क्योंकि युवक को डर है कि कहीं पुलिस फिर से बिना हेलमेट कार चलाने में उसका चालान ना कर दे। जहां एक तरफ हेलमेट लगाकर कार चला रहा युवक कानपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता के बीच ट्रैफिक पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।